भागलपुर पुलिस ड्रग्स पैडलर को पकड़ने के बाद उसके नेटवर्क को जब खंगालने लगी तो हथियार तस्कर तक पहुंच गई। दरअसल कोतवाली चौक पर पुलिस ने एक ड्रग्स पैडलर को पकड़ा था और जब उसके मोबाइल खंगाले गए तो कई हथियार तस्करों के नाम सामने आए, जिसके आधार पर मधुसूदन थाना क्षेत्र के रामपुर खुर्द में पुलिस ने शुक्रवार को छापेमारी की और भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद किए। यहां गिरफ्तार किए गए तस्कर के निशानदेही पर पुरानी सराय और कंजिया गांव में छापेमारी की गई और कुल 3 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार तस्करों में एक मन्नू चौधरी की मां 2 बार मुखिया रह चुकी है, वही एक अन्य गिरफ्तार तस्कर राजा यादव की मां जिला परिषद की सदस्य रह चुकी है। पुलिस ने निखिल रंजन नाम के एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। वहीं इन तस्करों की गिरफ्तारी से हड़कंप मच गया है। कई सफेद पोशों से इनके संपर्क चर्चे में है। सूत्रों की माने तो भागलपुर शहर में हथियार का धंधा बड़े पैमाने पर सालों से चल रहा है। इस सप्ताह पर 32 से बड़ी संख्या में हथियार की बरामदगी हुई है। पुलिस दोनों मामलों को जोड़कर देख रही है और इस एंगल पर भी जाँच की जा रही है। इसमें 3 महत्वपूर्ण व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक मणिकांत है जो की आर्मी से रिटायर्ड है, और एक निखिल रंजन है और जो कि रामपुर खुर्द का रहने वाला है, पुरानी सराय का रहने वाला है, और राजा बाबू जो कि रामपुर खुर्द का रहने वाला है। और इन लोगों के पास से कुल 9 हथियार, विभिन्न स्पेसिफिकेशन के 9 हथियार मिले हैं, जिसमें 3 कट्टा है और 2 पिस्टल है, 2 बंदूक है, 1 राइफल है और 1 एयर गन है, और कुल 172 विभिन्न स्पेसिफिकेशन के कारतूसों की बरामदगी हुई है, और उसके साथ कुछ छोटे मोटे हथियार साफ करने के उपकरण भी बरामद हुए हैं। और यह अभियान पिछले 24 घंटे से चल रहा था और इसमें भागलपुर पुलिस के द्वारा एक बहुत बड़ी सफलता अर्जित की गई है। और जो मैं पिछले 1 सप्ताह से इस अभियान के बारे में बात कर रहा हूँ, तो पिछले 1 सप्ताह में कुल 10 तस्करों की गिरफ्तारी की गई है, 23 विभिन्न प्रकार के हथियारों की बरामदगी की गई है और 362 कारतूस की बरामदगी की गई है। तो भागलपुर पुलिस के द्वारा हथियार और हथियार की तस्करी करने वालों के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ा गया है और इसमें लगातार इसमें सफलता भी अर्जित की जा रही है। इसके साथ ही साथ जो मादक पदार्थ होता है वह भी एक अपराध करने का एक बड़ा कारक होता है, उसके खिलाफ भी भागलपुर पुलिस के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उसमें कल 50 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ स्टेशन चौक के पास एक अंकित नाम का जो युवक है, जो कि बूढ़ानाथ मंदिर के आसपास का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी हुई है और उससे भी हमारी टीम पूछताछ कर रही है ताकि हम लोग ये पता लगा सकें कि जो वो मादक पदार्थ ब्राउन शुगर लाया था वो कहाँ से लाया था और किनके द्वारा उसको सहयोग दिया गया है। तो इस दोनों चीज़ों पर हमारी टीम अभी भी काम कर रही है और भविष्य में इसमें और भी गिरफ्तारी और सफलता मिलने की उम्मीद है। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।